दूर किसी जंगल में टूना और टूनी एक घर में रहते थे। उनके कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं थे। वह जिस घर में रहते थे वह घर भी किसी दूसरे पक्षी का था, जिस पर उन्होंने कब्जा करके अपने नाम कर लिया था। उनके चार चार छोटे छोटे बेटे थे। टूनी अपने बेटों पर बहुत ही नाज करती और उसे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया एक अंडे देती है तो वह खुशी से बोलती है, मुझे पहले ही से चार बेटे हैं और इस अंडे से भी बेटा ही होगा, फिर मेरा पांच बेटा हो जाएगा और हम ताकतवर हो जाएंगे, जिससे जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरेंगे। पर टूनी, तुम्हें कैसे पता है कि इस अंडे से बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती है। चुप करो जी, इस तरह की सोच क्यों सोचते हो? आप जानते हो ना कि मुझे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं, और आप हैं कि हर समय बेटी बेटी की ही रट लगाए रखे हैं। मुझे पता है मेरे अंडे से बेटा ही निकलेगा, बेटी नहीं। और आप इस तरह बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी जाओ और जाकर भोजन लेके आओ, मेरे चारों बच्चे बहुत भूखे हैं। अच्छे अच्छे भोजन करेंगे तो वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। फिर टूना घर से बाहर भोजन लाने चले जाते हैं। टूनी के पास पहले से ही चार बेटे थे, फिर भी वो हमेशा यही चाहती थी कि इस अंडा से भी बेटा ही हो, क्योंकि वह सोचती थी कि बेटा बड़ा होकर उसकी देखभाल करेगा और बेटी कोई काम की नहीं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद टूनी के अंडे से एक बेटी निकलती है। यह देखकर वह बहुत गुस्सा होती है और अपना आपा खो देती है और टूना से बोलती है, देखो देखो कलमू है टूना, तुम जो रट लगाए रखे थे वही हुआ, मिल गई दिल को ठंडक, बेटी हुई है, अब तुम इसकी देखरेख करो, मुझसे इसकी देखरेख नहीं होगा। यह किस काम की है? यह जब बड़ी होगी तो कोई शादी करके ले जाएगा। यह मेरे किस काम की है? इसे ले जाओ और अनाथ आश्रम में डाल कर आओ। टूनी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम एक माँ होकर एक बेटी के बारे में ये सब कह रही हो। तुम्हें कैसे पता है कि ये तुम्हारी देखभाल नहीं करेगी? इस तरह की सोच सोचकर तुम अपनी बेटी के साथ गलत बर्ताव कर रही हो। यह कहकर टूना भोजन लाने बाहर चला जाता है और इधर टूनी अपनी बेटी को एक जगह रख देती है और उनकी तरफ देखती तक नहीं। तब टूना तोता के पास जाता है और कहता है, तोते भाई, मैं अपनी पत्नी टूनी को लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हमारे पहले से ही चार बेटे हैं, फिर भी उसे बेटा ही चाहिए। अरे टूना, टूनी ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटा जो कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। और टूना, मेरी तो एक ही बेटी है, वह हमारा देखभाल करती है, वह तो मेरे लिए भोजन भी लाती है। उसके बाद टूना वहाँ से चल देता है और इधर टूनी अपने बेटों से बोलती है, तुम सब ये भोजन जल्दी जल्दी खत्म कर दो, अगर तुम्हारे पापा आ जाए तो कुछ टुनटुन को भी दे देना। तब उसका एक बेटा बोलता है, मम्मा, टुनटुन भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं ना, और ये मेरी बहन भी तो है, उसे भी कुछ खाना दे दो ना, उसे भी तो भूख लगी है। जब तुम अपने से भोजन लाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, दूसरे का भोजन करते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ा आया बहन का ख्याल करने वाला। उसके बाद टूना वहाँ आ जाता है और बोलता है, टूनी, टुनटुन भोजन की है, उसे खाना दी हो ना। तब टूनी झूठ की हद ही पार कर देती है, जी उसे भी भोजन दी हूँ, वह भी भोजन कर ली है, बैल भैंस की तरह पेट है तुम्हारी बेटी की, सारा भोजन खा गई और मेरे बेटे को तो सही से भोजन भी नहीं मिला। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। तब टुनटुन बोलती है, मम्मा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे भोजन क्यों नहीं देती हो? मुझे बहुत भूख लग रही है और तुम मेरे भाइयों को भी मुझसे बात नहीं करने देती। मैं बेटी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसके बाद सुबह हो जाती है। तब टूनी बोलती है, उठो उठो मेरे प्यारे बच्चों, सब उठो, हम सब आज तुम्हारी नानी के घर चलेंगे। वाह वाह, नानी का घर, बहुत मजा आएगा, हम सब बहुत घूमेंगे। मम्मा, मैं भी नानी के घर चलूंगी। नहीं, तुम नानी के घर नहीं चलोगी, तुम घर पर ही रहोगी, तुम तो अभी सही से उड़ भी नहीं पा रही हो, तुम्हारे पापा पास के जंगल गए हैं, बस कुछ समय बाद ही आ जाएगा। उसके बाद टूनी अपने बेटों को लेकर वहाँ से चल देते हैं और टुनटुन वही रह जाती है। फिर दोपहर हो जाता है, टुनटुन को बहुत भूख लगी हुई थी। तब वह बोलती है, मम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई, पापा भी नहीं आए और खाने के लिए कुछ भी देकर नहीं गए,
मुझे भूख भी लग रही है। मैं तो थोड़ा थोड़ा उड़ सकती हूँ। मैं किसी तरह अपने भोजन का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर नन्ही टुनटुन जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वह नीचे गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है और रोने लग जाती है और बोलती है, हे ईश्वर, तुम मुझे इस दुनिया में क्यों भेजे हो? मैं जी नहीं पा रही हूँ। इससे तो अच्छा होता कि अगर मैं मर जाती। मैं अब तक समझ नहीं पाई कि मेरी गलती क्या है। फिर शाम हो जाती है, तब टुनी आ जाती है। तब टुनटुन बोलती है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं घर के बाहर जाकर भोजन लाने की कोशिश की, पर मैं नीचे गिर गई और मेरी टांग टूट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। ये क्या, तुम्हारी टांग तो टूट गई और पंख भी टूट गए। अपने पेट के लिए इस तरह उछलने की क्या जरूरत थी? अब सारी जिंदगी अपाहिज बन के रहो। अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पर टुनी के दिल में तो कुछ और ही होता है। टुनी टुनटुन को लेकर वह दूर, बहुत दूर चली जाती है और उसे एक पेड़ पर रख देती है और बोलती है, टुनटुन तुम यही रहो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ रही हूँ। यह कहकर वह टुनटुन को वहीं छोड़कर चली जाती है और अपना घर पहुँच जाती है। तब टुना उससे पूछता है, मेरे टुनटुन कहाँ है? तब टुनी मन ही मन कहती है, अगर टोना को पता चल गया कि उसका टांग टूट गया और मैं उसे इलाज के बहाने कहीं और फेंक कर आ गई, तब तो ये मुझे मार डालेंगे। अब तो मुझे कुछ न कुछ नाटक करना ही पड़ेगा। टुना, मैं क्या बोलूं? टुनटुन की टांग में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी, तब वह रास्ते में दम तोड़ दी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसे बचा नहीं सकी। मुझे तो लगता है कि तुमने ही मेरी गुड़िया को मार डाला है। चुप कर टुना, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। आगे फिर इस तरह की बात कभी नहीं करना। और उधर टुनटुन पेड़ पर बैठे बैठे रो रही होती है, तभी वहाँ बुलबुल चिड़िया आ जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारे टांग भी टूटे हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने ही डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने यहाँ छोड़ गई। मेरा नाम टुनटुन है। टुनटुन, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों की है? मेरी माँ के चार बेटे हैं, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि मैं भी बेटा होता, पर मैं बेटी हुई हूँ। यही मेरी गलती है। मैं पास ही के जंगल में रहती हूँ। मैं अपना घर जा रही थी, तभी मैंने तुम्हें देखा कि तुम यहाँ खड़े हो, तो मैं यहाँ आ गई। तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेली रहती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। मैं सोच रही थी कि सभी पक्षी एक जैसे होते हैं, पर बुलबुल आंटी, तुम तो बहुत दयालु हो, तुम उड़ पाती हो? नहीं आंटी, मैं उड़ नहीं सकती। उसके बाद बुलबुल उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। वे दोनों घर पहुंचकर बातें करते हैं। ये मेरा घर है, आज से तुम इसे अपना ही घर समझना। उसके बाद बुलबुल टुनटुन के टांग में पट्टी बांध देती है और उसे खाने के लिए भोजन भी देती है। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनी अपने घर में अपने चार बेटों के साथ बैठी रहती है और टुना भी सोया रहता है। तभी उसका एक बेटा बोलता है, मम्मा, कल मैं भोजन लेकर आया था, आज तुम किसी और को भेजो, मैं बारिश में नहीं जाऊंगा। मम्मा, तुम्हारे तो और बेटे हैं, उसे भेजो, मैं भी नहीं जाऊंगा। तब टुना जग जाता है और बोलता है, टुनी, तुम तो अपने बेटों की बहुत प्रशंसा की हो, फिर आज इस तरह क्यों बोल रहा है? और पता नहीं फिर कल क्या बोलेगा। इस तरह सभी बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वह घर टूट जाता है और नीचे गिर जाता है और उसके दो बेटे वही मर जाते हैं और टुना टुनी के पंख टूट जाते हैं। तब टुनी रोने लग जाती है और टुना बोलता है, टुनी चुप हो जाओ, अब रोने धोने से मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। मैं अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रखती थी? अब तो मेरे सिर्फ दो बेटे बच गए हैं। अगर मुझे पता होता कि मेरा घर इस तरह गिरकर टूट जाएगा और मेरे बच्चे मर जाएंगे, तो हम पहले ही यहाँ से चले जाते। कुकू, तुम जाओ और तोते को बुला कर लाओ। तब कुकू तोते को बुलाने चल देता है। वहाँ पहुँच कर बोलता है, तोते अंकल, आप जल्दी मेरे साथ चलिए, हम सब जिस घर में रहते थे वह नीचे गिरकर टूट गया है। मेरे दो भाई मर गए हैं और मेरे माँ बाप के पंख टूट गए हैं। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। कुकू, चलो जल्दी चलो। उसके बाद तोता वहाँ आ जाता है और बोलता है,
टोनी तुम चिंता मत करो, होनी को कौन टाल सकता है। तुम्हारे दो बेटे मर गए हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे और दो बेटे हैं, वह तुम्हारा देखभाल करेंगे। तोता, मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ कि तुम हमारे लिए एक छोटा सा घर बना दो। शाम भी होने वाली है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उसे तो घर बनाना नहीं आता और हम दोनों के तो पंख टूट गए। टोनी, मैं तुम्हारे लिए अवश्य घर बना दूंगा। अगर मैं पड़ोसी होकर तुम्हारी मदद नहीं किया तो फिर कौन करेगा। उसके बाद तोता उनके लिए एक घर बना देता है और वहाँ से चला जाता। तभी कुकू अपनी माँ से बोलता है, मम्मा हमारे दो भाई तो मर चुके हैं, क्या अब हम दोनों भाइयों को उनके हिस्से का भोजन करने मिलेगा। कुकू तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम दोनों के पंख टूट गए और तुम्हारे दो भाई भी मारे गए और तुम दोनों खाने के बारे में ही सोच रहे हो। टोनी सुनो, तुम्हारे ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, तुमने इसके लिए ही मेरी प्यारी बेटी को मार डाले हो। मैं सारा दिन भोजन की खोज में रहता और तुम इसकी प्रशंसा करती रहती। उसके बाद रात हो जाती है, तभी सब सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, तब तोता वहाँ आ जाता है और बोलता है, टोनी मैं भोजन लाने जा रहा हूँ, तुम दोनों तो उड़ नहीं सकते। मैं बोल रहा था कि तुम अपने बेटों को मेरे साथ भेज दो, मैं भोजन ढूंढने में उसकी मदद कर दूंगा। कुकू तुम दोनों तोते के साथ भोजन लाने जाओ और हमारे लिए और अपने लिए भी भोजन लेकर आओ। फिर दोनों तोता के साथ भोजन लाने चल देते हैं। कुछ समय बाद उसे कुछ दाना दिखाई देता है, तब तोता बोलता है, कुकू तुम दोनों ये दाने लेकर चले जाओ और मैं अपना भोजन और कहीं से ढूंढ कर ले आऊंगा। यह कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। तब कुकू का भाई बोलता है, कुकू मम्मा पापा के तो पंख टूट गए हैं, अब तो वह दोनों भोजन ढूंढ कर नहीं ला पाएगा। हम दोनों और कितने दिन उसके लिए भोजन लेकर जाएंगे और उसे खिलाएंगे। हमें भोजन ढूंढने में कितनी परेशानी होती है। हम दोनों एक काम करते हैं, एक दिन मैं भोजन लेकर आऊंगा और दूसरे दिन तुम। इस तरह एक एक दिन हमें आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। यह कहकर वे दोनों भोजन लेकर घर की तरफ चल देते हैं। और इधर टोनी टूना से कहती है, टूना मुझे पता है ये सब हम अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। मैं तुमसे कुछ छुपा कर रखी हूँ। तुमने मुझसे क्या छुपा रखा है। उस दिन मेरी टुनटुन नहीं मरी थी, मैंने उसे जिंदा एक पेड़ पर रख आई। टूनी मुझे पता था तुमने मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत की हो, पर मैं तुमको कुछ बोल नहीं पाया। कितना जुल्म किए हो मेरे टुनटुन के साथ। न जाने वह कितना रो रही थी, फिर भी तुमको उस पर दया नहीं आया। इस तरह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दोनों भाई भोजन लेकर वहाँ आ जाते हैं। तब कुकू बोलता है, मम्मा ये दाना मैंने पहले देखा था, पर भाई भी इसे लेकर आया है, इसलिए मैं ज्यादा भोजन खाऊंगा। आप भाई को कम भोजन दीजिए। अगर भोजन को लेकर इतना झगड़ना ही था तो तुम भोजन लेकर यहाँ क्यों आए, वही खाकर आ जाता। हमने तुम्हें कितने प्यार से खिलाया पिलाया और तुम्हें बड़ा किया और टुनटुन को तुम्हारे लिए ही घर से बाहर कर दिया। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं और कुकू का बड़ा भाई वहाँ से भागने के लिए सोच रहा होता है और मन ही मन कहता है, मैं इन दोनों के लिए भोजन नहीं ला पाऊंगा। अच्छा होता कि इन दोनों के पंख ना टूटकर मर ही जाते, तब तो सारा टेंशन ही खत्म हो जाता। ये तो हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, मुझसे अब नहीं होगा, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। यह सोचकर कुकू का भाई वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है, तब टूना और टूनी देखते हैं कि उसका एक बच्चा सोया हुआ है। तब टूनी बोलती है, टूना एक बच्चा कहाँ है, वह कहाँ चला गया। मम्मा वो हमें छोड़कर चला गया, वह कल मुझसे कह रहा था कि अब मैं मम्मी पापा के लिए भोजन नहीं ला पाऊंगा, सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़कर चला गया, अब मुझे ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। टूनी हमारे चार बेटे थे, अब सिर्फ एक रह गया। मैं तुमसे हर दिन कहता रहा कि तुम अपने बेटों के लिए अपनी बेटी से इस तरह का व्यवहार मत करो, पर तुम नहीं सुनी, अब हम दोनों इसकी सजा काट रहे। और दूसरी तरफ बुलबुल टुनटुन को लाड प्यार करके पाल पोस के बड़ा। एक दिन बुलबुल टुनटुन से कहती है, टुनटुन आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भोजन लाने नहीं जाऊंगी। मम्मा मेरे रहते हुए तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुन तुम्हें तुम्हारी मम्मा पापा की याद नहीं आ रही। मम्मा तुम फिर कभी इस तरह से बात नहीं करोगी। वह दिन याद है मुझे जब माँ ने मुझे जंगल में अकेली छोड़कर चली गई थी।
अगर आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आते तो मैं कब का मर गई होती। तुम ही मेरी माँ हो, तुमने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। पर टुनटुन, तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा मम्मा? टुनटुन, अगर मैं मर गई तो तुम अपने माता पिता के पास चली जाओगी। मम्मा, तुम चाहती हो कि मैं हमेशा रोती रहूं? मरने की बात क्यों कर रही हो मम्मा? मैं तुम्हारे लिए भोजन लाने जा रही हूँ मम्मा। यह कहकर टुनटुन भोजन लाने वहाँ से चल देती है और इधर टूनी टूना से कहती है, अब रात हो गई, फिर भी कुकू घर वापस नहीं आया। मुझे तो लगता है कि वह भी हमें छोड़कर चला गया। इस तरह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी कुकू वहाँ आ जाता है। तब टूनी बोलती है, कुकू तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, फिर तुम इतने देर से घर क्यों आए हो? मैं कहाँ देर से आता हूँ, मैं तो सारा दिन भोजन ढूंढता रहता हूँ, मुझे थोड़ी देर हो ही जाती है। टूनी और टूना कुकू की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कुछ देर के बाद सब सो जाते हैं। फिर कुकू जग जाता है और बोलता है, भाई भी चला गया तो मैं तुम दोनों की देख रेख क्यों करूं? इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, मैं भी तुम्हारा देख रेख नहीं कर पाऊंगा। यह कहकर कुकू भी वहाँ से चला जाता है, पर टूना सब कुछ सुन लेता है। फिर बोलता है, जाओ कुकू, तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजारो और हमें हमारे गुनाहों का सजा भुगतने दो। फिर सुबह हो जाती है, तब टूनी टूना से कहती है, टूना कुकू भी घर पर नहीं है, वह भी हमें छोड़कर चला गया। मैंने रात को उसे भागते हुए देखा, वह बोल रहा था कि वह भी अपने भाई की तरह आराम से जिंदगी गुजारना चाहता है। टूना, जब तुमने उसे जाते हुए देखा तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसे इसलिए नहीं रोका ताकि तुम अच्छी तरह से समझ पाओ कि बेटा तुम्हारा देख रेख करेगा और बेटी तुम्हारे किस काम की। टूना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आज मेरी बेटी होती तो ये सब नहीं होने देती। मुझे विश्वास है कि हमारी बेटी हमें इस तरह छोड़कर नहीं जाती। इस तरह वे दोनों घोंसले में लेट लेट कर बातें करने लगते हैं। वह दोनों तो घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे थे। टूना, मैं उस दिन क्यों नहीं मर गई जिस दिन मैं टुनटुन को वहाँ छोड़कर आ रही थी? क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि तुमने जो पाप की है उसकी सजा भी तुम्हें ही मिले। तुमने दो बच्चों को मरते हुए देखा, फिर हमारा पंख टूट गया, उसके बाद हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए। और इधर टुनटुन भोजन लेकर बुलबुल के पास आ जाती है, आकर बोलती है, मम्मा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, ये तो मुझे कल ही पता चल गया था, इसीलिए तुमने मुझे एक वादा करवाई थी। माँ, मैं तुम्हारे वादा को नहीं भूलूंगी, मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी, पर माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद टुनटुन अपने माँ बाप के पास चली जाती है और वहाँ पहुँचकर बोलती है, मम्मा मैं टुनटुन तुम्हारी बेटी। यह सुनकर टूना और टूनी चौंक जाते हैं। टुनटुन, तुम हमारी बेटी हो? हाँ माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मुझे अकेली जंगल में मरने के लिए छोड़ आई थी, फिर भी मैं नहीं मरी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। टुनटुन, तुम मुझे माफ कर दो, मैं उसकी सजा अभी तक भुगत रही हूँ। भाई लोग कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हारे दो भाई मारे गए और दो भाई हमें छोड़कर चले गए क्योंकि वो हमें खिला पिला नहीं सकते थे। पर मम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी देख रेख हमेशा करूंगी। पर मम्मा, फिर तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ना, अकेला मुझे बहुत डर लगता है। यह कहकर टुनटुन अपने माता पिता के लिए भोजन लाने चली जाती है। फिर टुनटुन ने कुछ समय बाद भोजन लाकर अपने मम्मा पापा को खिलाते हैं और फिर उसके साथ खुशी खुशी दिन गुजारने लगते हैं।